अस्सलाम वालेकुम सर, ये अंदर क्या मसला मसाइल है, क्या रोड बला के आवाम पूरे आए हैं यहाँ पे? इस नाले में कई दिनों से ये सैलाब होने की वजह से तकरीबन हफ्ते से कुली काम कर रहे थे। अच्छा, तो क्या कुली पे पूरा मुकम्मल नहीं हुआ ये रोड? कुली पे ये पॉसिबल नहीं था, तो आज दो तीन दिन से आवाम भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे जीप गाड़ी भी खड़ी है जिसमें डिलीवरी केस भी है। अच्छा, और ये एक मसला ये है कि कई सालों से 2008 से ये पिलर्स बने हैं, उसके बाद एक साल से ये थोड़ा ढांचा बनाया है, ठेकेदार ना अभी तक ये गायब है। अच्छा, ये कब तामीर हुआ है ये ढांचा? ये तकरीबन 2008 से शुरू हुआ ये पुल का काम, लेकिन अभी तक ये ठेकेदारों में तब्दील होते 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 आखिरी ये पुल का ढांचा किसी ने बनाया है, लेकिन अभी तक एक साल से वो भी गायब है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी गाँव वादी हिस्पर कहते हैं इसको, लेकिन इस नाले में कई दिनों से यह ब्लॉक है और पुलिस से नहीं हो सका, तो आज दो तीन दिन से आवाम भी काम कर रही है। क्या डिलीवरी केस के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकता है? नहीं, ये तो हमारी जो है बस क्या कह सकते हैं कि जिसमें हर वक्त ऐसे हमारा साथ यही सलूक किया जाता है हुकूमत और PWD और जितने भी इदारे हैं, और ये हमारा आज के इस जदीद दौर में 21वीं सदी में लोग घंटों का सफ़र मिनटों में तय करते हैं, लेकिन हम घंटों का सफ़र दिनों में तय करते हैं। अच्छा, आप क्या ये क्या कह सकते हैं इस पुल के बारे में, ये कब तक तामीर होगा, मुकम्मल होगा? लेकिन मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक साल से तकरीबन ये सिर्फ ये ढांचा बनी है। अच्छा, और ये आगे एक साल लगेगा या दो साल लगेगा ये कंफर्म नहीं कर सकते। क्या कोई यहाँ पे MNA वगैरह काम नहीं कर सकता है क्या? नहीं, ये तो जितने भी हमारे जो हल्का नंबर 5 है, हल्का नंबर 5 में जितने भी MNAs गुजरे हैं जिन्होंने हमारे इस आखिरी गाँव गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी गाँव पे किसी ने भी दिल से ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आगे जो रोड बना के उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? आगे रोड तो हम तो हर वक्त रिस्क पे चलते हैं, रिस्क। अच्छा, हम तो हर वक्त ही जो है टोटल हिस्पर इस रोड पे जीप गाड़ी और ये सामना ट्रैक्टर खड़ी है जी, और ये बाइक खड़े हैं, ये वाहिद ट्रैक्टर और जीप गाड़ी चलती है, इसके अलावा इधर कोई दूसरी गाड़ी चलने की चांसेस नहीं है। अच्छा, तो यही ये जीप गाड़ी भी 4x4 है, ये रिक्स है। क्या आवाम आज मुकम्मल करेंगे ये काम? ये आवाम आज बहुत जद्दोजहद करे, क्योंकि एक डिलीवरी केस है, एक खातून को बहुत तकलीफ है, जिसकी वजह से तमाम आवाम आई है और ये अपने पूरी कोशिश जारी है। अच्छा, आगे रोड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यहाँ से हिस्पर से पूर्ण नगर खास तक जो रोड है वो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्या सही है गलत है? ये वादी हिस्पर से नगर तक जो रोड है वो तो कम्प्लीटली सही रोड नहीं है। अच्छा, आज आप देख रहे हैं कि ये नाला कई दिनों से ख़राब है। अच्छा, तो आवाम तो फंसी थी, लेकिन आज जो है डिलीवरी केस होने की वजह से तमाम आवाम आई है और अपनी जद्दोजहद जारी है, क्योंकि इससे आगे भी पता नहीं है, बहुत से नाले हैं वो भी शायद ख़राब होंगे, लेकिन अल्लाह मालिक है, ये काम करेंगे और आगे देखते जाएंगे। और साथ हम आगे देखते हैं कि जीप किस तरह से निकलते हैं, और यहाँ पे जो है डिलीवरी केस भी है साथ में, और जैसे ही आवाम आप देख रहे हैं आवाम भी साथ में यहाँ पे जद्दोजहद से काम कर रहे हैं, रोड के मुलाजिम से ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है। आगे देखते हैं आगे नाले देखते में क्या होता है। यह है जनाब हमारा नाला, जिसमें एक हफ्ते से कुली काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से आज आवाम भी तमाम आवाम आई है और काम बिल्कुल जारी है। थोड़ा कुछ गुजारा कर चुके हैं, क्योंकि एक डिलीवरी केस की वजह से अब जीप गाड़ी रवा दवा हो जाएगी, इंशाल्लाह तमाम आवाम के सहारे से यही तरह दे सकते हैं। Thank you.
Tamam, alan ki kardeşimce bir gari karar soruyor.